हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में। ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज आपका दक्षता अभ्यास एक बी का पहला क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि x बराबर -3/5 y बराबर -4/7 तो दिखाइए कि दिखाना क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन का पहला वाला देखिए, x बराबर क्या दिया गया है -3/5, यहाँ दिया गया x बराबर -3/5 और y बराबर क्या दिया गया 3/5 है, बढ़िया से लिखना है 3/5 और y बराबर दिया गया है -4/7, -4/7। अब दिखाना क्या है, दिखाना यह है कि x गुड़े वाई, देखिए x गुड़े वाई बराबर x और गुड़े y, क्या ऐसा है? ये पहला है, चलिए इसको हल करते हैं। -3/5 गुड़े वाई बराबर -4/7, अब ये बराबर में लिखते हैं। ये देखिए x बराबर कितना, -3/5 और गुड़े -4/7। देखिए हल करते हैं, 7 × 5=35, ये पूरे पहले ऊपर माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 4 × 3 = 12/7/35, ये बार में हुआ। देखिए इसको क्या निरपेक्ष मान बोलते हैं, इसका भी निरपेक्ष मान निकालते हैं। और इधर देखिए इसको जब हटाएंगे 3/5 हो जाएगा, गुड़े हो जाएगा 4/7 हो जाएगा। देखिए 4 × 3 = 12/7/35, अब इसका जब हटाएंगे तो ये भी 12/35 और ये भी 12/35, क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो गया पहला वाला। देखिए दूसरा क्या दिया गया है, सेकंड वाला क्या दिया गया है, इसी का जस्ट भाग करने के दिया गया, भाग मतलब x भागे y। देखिए x भाग दिया गया y और इसके बराबर में दिया गया है x और फिर भाग में y दिया गया है, x दिया गया है फिर भाग में कितना दिया गया है y दिया गया। तो इसमें भी कुछ भी नहीं करते हैं, वही मान उठा के रखते हैं, x और y का मान यहाँ रखते हैं। चलिए x का मान रखेंगे कितना आ गया -3/5 और भाग में क्या आ जाएगा -4/7 और ये निरपेक्ष मान के लिए लगे रहने देते हैं, यहाँ हो जाएगा -3/5 और ये भाग का हो जाएगा -4/7 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पीछे वाले आपके अभ्यास में आपको बता चुके हैं सब क्वेश्चन। देखिए -3/5 है, निशान बदलता है तो क्या होती है, संख्या पलट जाती है। देखिए 7/4 हो गया लेकिन निशान तो माइनस का ही रहेगा, वो वाला निशान माइनस का ही रहेगा। अब क्या करते हैं, ऐसे रहने देते हैं, सेम ईयर 3/5 और ये भाग, ये तो हटेगा तो भाग वाला ये अगर गुणा में करेंगे 7 ऊपर चला जाएगा। देखिए 7 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे और ये माइनस माइनस हट जाएगा अंदर से, प्लस ही उसका मान आता है। अब ये माइनस माइनस का गुणा हो गया, प्लस हो जाएगा। देखिए 7 × 3 = 21 हो जाएगा, 5 × 5 = 20 हो जाएगा और ये जब निरपेक्ष मान काटाएंगे तो इतना ही आएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 7 × 3 = 21 हो जाएगा, 5 × 5 = 20 ही हो जाएगा। तो क्या हो गया, दोनों तरफ एक समान मान आया, इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नहीं समझ में आएगा तो एक बार रिवाइज करिएगा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। हाँ तो दोस्तों देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, उधर साइड में दिया गया, उन सभी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 5/6 है। अच्छा, उन सभी परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है जिसका निरपेक्ष मान कितना है, 5/6। निरपेक्ष मान 5/6, तो एक बात ध्यान दीजिए, 5/6 निरपेक्ष मान जब निकालेंगे इसका तो कितना आएगा, 5/6 आएगा। ठीक है, अब अगर -5/6 है इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तब भी कितना आएगा, 5/6 आएगा। इसके हिसाब से हमारा जो आएगा आंसर वो क्या आएगा, एक आएगा आपका 5/6 आएगा और दूसरा आएगा -5/6 आएगा और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन क्या कह रहा है, उन परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 0 है। अच्छा, 0 का निरपेक्ष मान क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, 0 ना प्लस में होता है ना ही माइनस में होता है, 0 मतलब 0, ये हो गया आपका आंसर 0। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चार क्या कह रहा है, उधर देखिए दिया गया निम्नांकित में से कौन सी ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिन्हें सम दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। ये दिया गया, इनमें देखना है कौन सी ऐसी परिमेय संख्या है जिनको सम दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। क्या करना पड़ेगा, एक एक को चेक करना पड़ेगा। चलिए एक एक का पोस्टमार्टम करते हैं। 11/8 दिया गया है, इसका पोस्टमार्टम करेंगे, देखिए 8 से 11 में भाग देंगे, 8 × 1 = 8 हो जाएगा, 8 × 3 = 11 होता है। ठीक है ना, अच्छा 3 × 11 होता है, 3 × 5 = 10 लगा, 0 आ गया, 8 × 4 = 32 होता है, 8 × 3 = 24 होता है, 24 और 6 आ जाएगा, फिर क्या होगा, 0 बढ़ेगा, ये कट जाएगा,
आठ सप्ते छप्पन चार आएगा, ये कट जाएगा जीरो बढ़ेगा, आठ पंचे चालीस, तो ये मिल गया पहला मिल गया। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, सात दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सकता है, और जब व्यक्त करेंगे कितना आएगा, एक दशमलव तीन सात पांच, तो ये वाला किया जा सकता है। अब देखते हैं दूसरा, पैंतालीस, ये चार से ही तीन बटे पैंतालीस, सो जब शुद्ध रूप में लिखेंगे पैंतालीस दुना नब्बे होता है, पैंतालीस चौका एक सौ अस्सी होता है, एक सौ अस्सी में तीन जोड़ेंगे एक सौ तिरासी बटे पैंतालीस, ठीक है। देखिए पैंतालीस चौका एक सौ अस्सी, पैंतालीस दुना नब्बे, नौ दुना अठारह हो गया, और ये एक सौ तिरासी बटे पैंतालीस, एक सौ तिरासी बटे पैंतालीस, अब इनको भाग देंगे, पैंतालीस से भाग देना एक सौ तिरासी में, चलिए भाग देते हैं, पैंतालीस से भाग देते हैं एक सौ तिरासी में, तो अभी बताए ना पैंतालीस दुना नब्बे, पैंतालीस चौका एक सौ अस्सी, पैंतालीस चौका एक सौ अस्सी, तीन बचाओ ये कैट गया, दस में लगाएंगे जीरो बढ़ेगा नहीं जाएगा, जीरो बढ़ाएंगे एक जीरो और आएगा। अब कितनी बार ले जाएंगे, नौ त्रिक सत्ताईस, नौ चौक छत्तीस, पैंतालीस दुना नब्बे हो जाएगा, मैं भी देखी। अच्छा इसको एक भाग करना तरीका बता देते हैं, इसको पांच को ढकिए और जीरो को ढकिए, चार पंच बीस, चार छह चार सत्ते अट्ठाईस, तो सात बार एक बार ट्राई करते हैं, पैंतालीस सत्ते कितना होता है, सात पंच पैंतीस पांच, हाथ से तीन, सात चौक अट्ठाईस, उन्तीस तीस इकतीस, नहीं जाएगा, तो कितनी बार ले जाएंगे, छह बार लेके जाएंगे और ये हटा देंगे, छह बार जाएगा, छह पंचे तीस को जीरो, हासिल तीन, छह चौका चौबीस, पच्चीस छब्बीस और सत्ताईस, कितना हो गया दो सौ सत्तर, बचेगा क्या तीस, बचेगा ये कट जाएगा, फिर जीरो आएगा, फिर कितनी बार जाएगा, छह बार जाएगा, फिर कितना आएगा, दो सौ सत्तर आएगा। अच्छा मतलब ये जो है ना, फिर कितना बचेगा, तीस बचेगा और ये कट जाएगा, ये हमेशा ऐसे आता रहेगा, मतलब इसका मान कितना आएगा, चार दशमलव जीरो छह, उसके बाद ऊपर बार, तो ये क्या होगा, इसका मान जब निकालेंगे देखिए कितना आएगा, चार दशमलव जीरो छह, और ये वाला नहीं हो सकता, ये शांत में नहीं व्यक्त हो सकता। अब देखते हैं माइनस का तैतीस बटे अस्सी, इसको भी करके देखते हैं, तैतीस बटे अस्सी मतलब अस्सी से भाग देना है किसमें, तैतीस में भाग देना है, तो चलिए भाग देते हैं इधर, अस्सी से भाग देते हैं तैतीस में, नहीं जाएगा दस में लगाएंगे ये हो जाएगा, आठ चौक का बत्तीस, चार बार लेके जाएंगे, चार शून्य शून्य चार अठे बत्तीस, यहाँ कितना बचेगा जीरो, तीन में से दो गया एक और ये कट जाएगा, अब एक जीरो और बढ़ेगा, अब क्या करेंगे, आठ एकम आठ मतलब एक बार लेके जाएंगे अस्सी एकम अस्सी, बचेगा क्या बीस, बचेगा ये हट जाएगा मतलब हटेगा क्या, कटेगा नहीं, एक जीरो और आएगा, आठ दूनी सोलह एक सौ साठ आएगा, दो बार लेके जाएंगे, यहाँ कितना बचेगा जीरो, दस में से छह गया चार बचेगा और ये कट जाएगा, ठीक है। अब एक जीरो और ले गया, आठ पंचे चालीस, पांच बार जाएगा और पूरा का पूरा कट जाएगा, पांच बार लेके गया और ये चार सौ आ गया, मतलब इसको व्यक्त किया जा सकता है, इसका मान कितना है जीरो दशमलव चार एक दो पांच, माइनस में आएगा लेकिन इसको व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। अब अगला देखते हैं चौबीस बटा सात, चौबीस बटा सात, इसको भाग करते हैं, सात से भाग करते हैं चौबीस में, सात त्रिक इक्कीस, तीन बचा ये कट गया, दशमलव लगा जीरो, सात चौका अट्ठाईस हो गया, अच्छा ये नहीं जाएगा क्योंकि इसको कई बार हम लोग काट चुके हैं, अभी देखिए दस में से आ गया दो, ये कट गया, यहाँ जीरो आ गया, सात दुना चौदह आ गया, छह बचा ये कट गया, यहाँ जीरो बढ़ा, सात अठे छप्पन, छप्पन कितना आया चार आया, फिर ये जीरो बढ़ा, सात पचे पैंतीस, पैंतीस ये कितना आया पांच आया ये कट गया, फिर जीरो हुआ, फिर देखिए सात सते उनचास ये एक आया, अब एक आ गया फिर जीरो बढ़ेगा, सात एकम सात हो जाएगा, उसके बाद फिर तीन आ जाएगा, देखिए फिर तीन आ गया, फिर ऐसे रिपीट होता रहेगा, जैसे यहाँ रिपीट हुआ ना ऐसे फिर रिपीट होता रहेगा, तो ये क्या होगा इसका नहीं हो सकता, देखिए तीन आ गया और ये तीस होगा, फिर कितनी बार जाएगा सात चौक अट्ठाईस जाएगा, मतलब दोबारा फिर ऐसे रिपीट होता रहेगा। अच्छा इसका मान आ गया तीन दशमलव चार दो आठ पांच सात एक, उसके बाद इसके ऊपर बार आएगा और ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला, दिया गया पांच बटे छ, पांच बटे छ दिख रहा है ना प्रॉपर, चलिए ठीक है पांच बटे छ है, अब इसको क्या करना है, छह से भाग देना पांच में, चलिए भाग यहीं पे दे देते हैं, पांच बटे छह से भाग देना किसमें पांच में,
नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे जीरो बढ़ेगा। छह सत्ते बयालीस, छह थे अड़तालीस, आठ बार लेके जाएंगे कितना हो जाएगा, अड़तालीस हो जाएगा। कितना बचेगा, दो बचेगा, ये कट जाएगा, एक जीरो बढ़ेगा, छह त्रिक अठारह हो जाएगा, दो बचेगा ये कट जाएगा, फिर जीरो बढ़ेगा, फिर छह त्रिक अठारह हो जाएगा, अच्छा फिर दो बचेगा। अब देखिएगा इसका ना ऐसे आएगा, इसका माना जीरो दशमलव आठ और तीन के ऊपर बार, जीरो दशमलव आठ और तीन के ऊपर क्या बार हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, निम्नांकित में किन किन परिमेय संख्याओं को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है, तो संख्या दी है इसमें अशांत दशमलव संख्या में निरूपित करना है। देखिए अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित करना, अशांत में करना है, ध्यान दीजिएगा, अशांत मतलब शांत नहीं, अभी तक शांत वाला था चार में, अब अशांत। देखिए पांच बटे सात है, मतलब सात से क्या करना है, भाग देना किसमें, पांच में, दशमलव लगाएंगे जीरो हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, सात सत्ते उनचास बार जाएगा, सात बार जाएगा उनचास आएगा, एक और ये कट गया, फिर यहाँ जीरो लगेगा, सात एकम सात बार जाएगा, फिर तीन आएगा, फिर जीरो बढ़ेगा, सात चौका अट्ठाईस हो जाएगा, देखिए कितना आएगा, दो आएगा, ये कट जाएगा, जीरो आ जाएगा, सात दुना चौदह आ जाएगा, छह बचेगा, ये कट जाएगा, जीरो जाएगा, सात अठे छप्पन, कितना बचेगा, चार बचेगा, फिर क्या होगा, ये कट जाएगा, जीरो बढ़ेगा, सात बचे पैंतीस, क्या बचेगा, पांच बचेगा, ये कट जाएगा, फिर कितना बचेगा, जीरो, सात सते पचास, पचास। अच्छा आप देखेंगे तो सब ऐसे रिवाइज होगा, ठीक है ना, रिवाइज होगा। हमसे पूछा गया पांचवा क्वेश्चन, इसको ध्यान देंगे, निम्नांकित में से किन किन परिमेय संख्याओं को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है, पांचवा अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है, ठीक है ना, पांचवा वाला देखिए, जिसको जिसको निरूपित किया जा सकता है उसको उसको लिख देंगे बस। देखिए तो ये क्या होगा, अशांत तो है, शांत कहाँ हो रहा है, चलते जा रहा, अभी कटते जा रहा, तो ये क्या होगा, इसको निरूपित किया जा सकता है, मतलब पांच बटे सात को निरूपित किया जा सकता है। अब देखते हैं एक बटा नौ दिया गया है, क्या लिखते हैं, नौ से भाग देते किसमें, एक में, जाएगा नहीं जाएगा, दसमलव लगाएंगे, नौ कम नौ, देखिये नौ आएगा, एक आएगा, अभी देखिए जस्ट इसको काटे फिर एक आएगा, ऐसे ऐसे आता रहेगा, तो इसको भी क्या किया जा सकता है, ठीक है। अरे तीन बटा पांच को, तीन बटा पांच मतलब पांच से भाग देना तीन में, दशमलव लगाएंगे, जीरो जो पांच छक्का तीस, तीस और ये कट जाएगा, देखिए तो ये तो कट जा रहा ना, तो इसको निरूपित नहीं किया जा सकता, मतलब कैंसिल कर दीजिए, सत्रह बटे तीस है, मतलब तीस से भाग देना किसमें, सत्रह में, तीस से भाग देना सत्रह में, जाएगा नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे जीरो जाएगा, सात से देखिए सत्रह ना, तीन का पड़ा इतनी बार की एक सौ सत्तर आ जाती है, तीन छह तीन पचे पंद्रह, पांच बार लेके जाएंगे अगर, पांच शून्य शून्य होगा, पांच तीन पंद्रह हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, बीस बचेगा और ये कट जाएगा। अब फिर यहाँ दशमलव लगेगा, फिर देखिए तीन छह अठारह होता है, छह बार जाएगा, छह त्रिक अठारह होता है, कितना बचेगा, बीस बचेगा, ठीक है, फिर जीरो आएगा, फिर देखेंगे फिर छह बार जाएगा, ऐसे ऐसे मतलब पांच, तो इसको भी कर सकते हैं क्योंकि इसका मान कितना आएगा, जीरो, अच्छा इसका मान निकालें, जीरो दशमलव पांच छह के ऊपर बार लगेगा, ठीक है, ये बार मतलब का आता रहेगा, अनंत बार वही आएगा, ठीक है। फिर देखते हैं माइनस पांच बटे अट्ठाईस, तो माइनस पांच बटे अट्ठाईस मतलब अट्ठाईस से भाग किस में देना है, पांच में देना है, और याद रहे इसका आंसर हमेशा किस में आएगा, माइनस में ही आएगा, अगर माइनस है तो माइनस में ही आंसर आएगा। चलिए देखते हैं, अट्ठाईस से दशमलव लगा तो जीरो, अट्ठाईस एक कम अट्ठाईस, दो बार लेके जाएंगे ज्यादा हो जाएगा, बचेगा कितना, दस में से आठ गया दो, और यहाँ चार में से दो गया दो, बाईस हो गया, अब क्या एक जीरो पड़ेगा, अब कितनी बार जाएगा, अट्ठाईस है, ध्यान दीजिए एक संख्या इसको नकी आठ को और एक इसको, दो का पहाड़ इतनी बार की बाईस आ जाए, आएगा, देखिए चलिए करके देखते हैं, अट्ठाईस बीस चौका अस्सी, बीस अट्ठे आठ दुनी सोलह एक सौ साठ, फिर बीस अट्ठे, हाँ एक बार आठ से ले जाके देखते हैं, आठ बार में आठ में चौसठ को चार हासिल छह, आठ दुनी सोलह, सोलह और छह बाईस हो जाएगा, तो ज्यादा हो जा रहा है, हो जाएगा तो सात बार लेके जाएंगे, सात बार लेके जाएंगे, सात अठे छप्पन पे छह हासिल पांच, सात दुना चौदह, चौदह पांच उन्नीस हो जाएगा, उन्नीस, देखिए दस में से छह गया चार, यहाँ एक बचेगा यहाँ हासिल आएगा, ग्यारह में से नौ गया नौ दो ग्यारह होता है, दो जाएगा और ये कट जाएगा, ये चौबीस हुआ, इसको जीरो बढ़ाएंगे, अब देखिए कितनी बार जाएगा, दशमलव लगा इसलिए जीरो बढ़ रहा है, अब अट्ठाईस का पार इतनी बार लेके जाइए क्या जाए, हाँ देखेंगे कितनी बार जाएगा,
आठ बार, आठ बार से ज्यादा ले जाएंगे ज्यादा हो जाएगा, तो आठ बार लेके जाएंगे कितना आ जाएगा 224 आ जाएगा। देखिए आठ अठाई चौसठ के चार हासिल छह आदमी सोलह, सोलह छह कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। देखिए 10 में से चार गया 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 में से 2 गया 1 और ये कट जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा एक जीरो और बढ़ जाएगा। अब क्या करेंगे 28 का पहाड़ इतनी बार कि कितना जाए 160 आ जाए, उससे कम आ जाए। देखिए ले जाते हैं, देखिए 28 का पहाड़ा ले जाएंगे 160 आ जाए, या तो देखिए 7 और 6 बार लेके जाते हैं 28 छक्का 6 अठे 48 को 8 हासिल 4, 6 दुना 12 4 16 ज्यादा हो जा रहा है तो 5 बार लेके जाएंगे, 5 बार पक्का जाएगा। 5 अट्ठे 40 की 0 हासिल 4, 5 दुना 10 और 4 14 होता है 0, 6 में 4 गया 2 और ये कट जाएगा, एक 0 और आ जाएगा, ये 200 हो गया। अब देखिए कितनी बार ले जाएंगे 200 आ रहा, और ये देखिए यहाँ पे हम 8 बार लेके गए थे 240 आया था 224 आया था, और 7 बार लेके जाएंगे, 7 बार लेके जाएंगे कितना आएगा 196 आएगा, 7 बार लेके जाएंगे 196 आएगा। अब जब 196 आएगा 10 में से 6 गया 196 बचेगा कितना 4 ही तो बचेगा, देखिए 4 बचेगा। अब एक 0 यहाँ और बढ़ाएंगे, अब कितनी बार ले जाएंगे ध्यान दीजिए, देखिए एक बार लेके जाएंगे ज्यादा हो जाएगा नहीं तो 28, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ 3 में से 2 गया 1। अब क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे, अब कितनी बार जाएगा देखिए 2 छक 12, 6 बार जाना चाहिए लेकिन 5 बार एक बार लेके जाके देखते हैं। देखिए जब 5 बार लेके गया तो कितना आया था 140 आया था, 5 अट्ठे 40 को 0 हासिल 4, 5 9 10 4 14 140 आया था, इसलिए 4 बार जाएगा। जब 4 बार लेके जाएंगे 4 बटे 32 को 2 हासिल 3, 4 9 8 3 11, 11 हो जाएगा। ये देखिए कितना बचेगा 8 बचेगा, और ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, फिर 0 आएगा। अब 28 ऐसे मतलब चलता रहेगा, देखिए अभी कहां तक जाएगा 28, 8 बार लेके जाना है, देखेंगे कितनी बार जाएगा 80 आ रहा है, 28 दुना होता है 16 4 56, 56 तीन बार, तीन बार लेके जाएंगे, देखेंगे 28 यहाँ 8 3 24 4 हासिल 2, 3 दुना 6 2 8 84 ज्यादा हो रहा है, दो बार लेके जाएंगे 2 अट्ठे 16 6 हासिल 1, 2 दुना 4 1 5 56 हो गया, 10 में से 6 गया 4 बचा, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गया 2 24, देखिए 24 आ गया, एक 0 बढ़ाएंगे 240 आया। अच्छा 240 आया फिर कितनी बार जाएगा, देखिए एक बार गया था फिर 7 बार गया था फिर 8 बार गया था, तो फिर से 8 बार जाएगा, 8 बार लेके जाएंगे कितना आ जाएगा 224 आ जाएगा। अब 10 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा, 3 में से 2 गया 1 और ये कट जाएगा 16 आ गया। देखिए फिर एक 0 बढ़ाएंगे, फिर कितनी बार लेके जाएंगे, फिर लेके जाएंगे हम 5 बार लेके जाएंगे, 5 बार लेके जाएंगे, जब 5 बार लेके जाएंगे कितना आ जाएगा, 5 बार लेके जाएंगे 140 आ जाएगा, बचेगा कितना 20 बचेगा, ये कट जाएगा, अब 20 बचेगा फिर 200, मतलब अब देखिए दोबारा रिपीट हो रहा है कि नहीं, यहां से दोबारा रिपीट हो रहा है ना, और ये यहां से रिपीट होगा कहां तक, यहां तक फिर होगा, उसका फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा, इतनी बार रिपीट होगा यहीं तक का रिपीट होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हमसे जो पूछा गया क्वेश्चन में पांचवा वाला पूछा गया आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है, तो इसको निरूपित किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये अशांत को पूछा ना, तो अशांत में निरूपित किया जा सकता है इसको। अब देखते हैं, देखिए अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है, ये निरूपित किया, अब ऐसे देखते हैं ये वाला, कोई दिक्कत नहीं, हल करेंगे सब हल हो जाएगा, कोई लंबा क्वेश्चन नहीं है, देख के कुछ क्वेश्चन पता लग जाता है, 605 से भाग देने किसमें 413, नहीं जाएगा दशमलव लगाएंगे जीरो बढ़ जाएगा। अब देखिए अच्छा भाग देने का एक तरीका बता दे रहे हैं, बहुत ही आसान तरीका, एक अंक किसका बंद करिए, एक अंक किसका बंद करिए, अब भी नहीं जा रहे, दो अंक किसका बंद करिए, दो अंक किसका बंद करिए, छह का पहाड़ा इतनी बार ले जाइए कि 40 आ जाए या तो 41, छह पंचे 30 छह सत्ते 42 हो जा रहा ना, तो छछवा की 36, एक बार 6 बार ले जाके क्या करेंगे चेक करेंगे, 6 बार 6 पंचे 30 को 0 हासिल 3, 6 शून्य शून्य और 3 जुड़ जाएगा छछवा के 36, ठीक है, तो कितना आ गया 6 बार ले जाने पर 36 और 30 आ गया, ये 0 ये 0, एक में से 11 में 6 गया 6 5 11 तो 5 हो गया और ये कट जाएगा, ये होगा 500, फिर क्या होगा एक 0 बढ़ जाएगा,
5000 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको भी ढकेंगे, इसको भी ढकेंगे, इसको भी दोनों ढकेंगे। 6 का पार इतनी बार 50 आ गया, उससे कम आ जाए। 6 8 48, 8 बार एक बार तो देखेंगे, 8 बार ले जाएगी कितना होता है, 8 5 40 को 0 हासिल, 4 8 0 0 और 4 हो जाएगा, 8 6 48 हो जाएगा। तो कितनी बार आ जाएगा, 8 बार लेके जाएंगे, 48 और 40 होगा। देखिए 0 या 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, या 9 में से 8 गया 1 और ये कट जाएगा, 160 हुआ। अब एक 0 और लगेगा। अब देखिए इसको ढकेंगे, एक इसको ढकेंगे, इसको दो ढकेंगे, इसको दो ढकेंगे, 6 2 12 6 3 18 दो बार लेके जाएंगे, 2 5 10 को 0 हासिल, 1 2 0 0 1 आ जाएगा, 2 6 12। देखिए 0 10 में से 1 गया 9, यहाँ 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा और ये कट जाएगा। अब फिर एक 0 और बढ़ेगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए दो अंक किसका बंद करेंगे, दो अंक किसका, 6 का पार इतनी बार या तो 39 आ जाए, उससे कम आए, 6 6 36 छह बार लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा, 36 और 30 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7 हो जाएगा, 8 में से 6 गया 2 और ये कट जाएगा, 270 हुआ। फिर 0 बढ़ाएंगे। अब देखिए क्या करेंगे, दो ढकेंगे, दो यहां ढकेंगे, 6 4 24 चार बार लेके जाएंगे, 4 5 20 0 हासिल, 2 4 0 0 और 2 आ गया, 4 6 6 4 24 24 हो गया, 0 में से 0 गया 0, यहां फिर 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, यहाँ 7 है 6 हो जाएगा, 6 में से 4 गए 2 और ये कट जाएगा, कितना बचा, 280। अब इसमें 0 बढ़ाएंगे, अब देखेंगे कितनी बार जाएगा। देखिए 2 इसका देखेंगे, 2 इसका देखेंगे, 28 है 6 6 5 6 6 36 ही होता है, 6 बार लेके जाएंगे, 6 बार ले जाने पर कितना आया था, 36 और 30 आया था, 0 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचेगा 7 में से 6 गया 1 और ये नहीं जाएगा, इतनी बार नहीं जाएगा, 6 बार नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। देखिए 5 5 25 को 5 हासिल, 2 हो जाएगा, 5 0 0 2 आ जाएगा, 5 1 30 30 5 बार भी नहीं जाएगा। देखिए कितनी बार जाएगा, काम करते 4 बार अगर लेके जाएंगे तो 24 20 आ जाएगा, तो 4 बार ही लेके जाते हैं, 4 बार 24 20 आ जाएगा। देखिए 0 जाएगा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 7 4 गया 3 और ये कट जाएगा, कितना गया 380 आ गया। अच्छा इसे काटते रहेंगे और ये कटता चला जाएगा, लंबा जाएगा, ये देखते हैं ये होता है कि नहीं, 380। फिर एक 0 बढ़ाते हैं, देखिए 3800 आ गया। अब कितनी बार लेके जाएंगे, 3630 आया, कितनी बार में, देखिए 3630 3800 ले जाएंगे, यहाँ इसको दो ढकेंगे, इसको देखेंगे, 6 6 36 छह बार अगर लेके जाते हैं हम, तो देखिए 6 बार लेके जाएंगे, 6 5 36 0 हासिल, 3 6 6 36 हो जाता है। तो ये 0 10 में से 3 गया 7 और यहाँ 7 बचा, 7 में से 6 गया 1 और ये कट जाएगा, 170 बचा, ये 0 कर देते हैं यहाँ पे भी। देखिए एक एक 0 उतरता रहेगा। अब कितनी बार जाएगा, 2 इसको ढकेंगे, इसको 6 2 12 दो बार लेके जाएंगे, 2 5 10 0 हासिल, 1 ये हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा। अब देखिए कितना बचेगा, ये 0 हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9 बचेगा, यहाँ 7 में 6 में से 2 गए 4 बचेगा और ये कट जाएगा, 490 हुआ। अब इसको कितनी बार ले जाएंगे, यहाँ एक 0 बढ़ेगा, इसको दोनों ढकेंगे, इसको देखिए अब 6 6 6 8 48 8 बार लेके जाएंगे, 8 5 40 0 देखिए 40 पूरा हो जाएगा, 8 6 48 हो जाएगा। देखिए यहाँ 0 में से 0 गया 0, 10 में से 4 गया 6, यहाँ कितना बचेगा, 8 में से 8 गया, ये कट गया और ये भी कट गया, यहाँ आप क्या करेंगे, एक 0 और बढ़ जाएगा। आप कितनी बार जाएगा, नहीं जाएगा, फिर क्या करेंगे, एक 0 और लगाएंगे, फिर एक 0 और बढ़ जाएगा, और ऐसे ही क्या होता रहेगा, ऐसे बढ़ता जाता रहेगा, क्योंकि ऐसे बढ़ते जाता रहा है, शांत नहीं है, अशांत बढ़ते जा रहा है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित परिमेय संख्या को शांत अथवा अशांत दशमलव संख्या में व्यक्त कीजिए। तो देखिए शांत अथवा अशांत में व्यक्त करना है, तो माइनस का 9/40 मतलब इसको सीधे भाग करना है, किसमें 40 से भाग देना है, किसमें 9 में भाग देना है। चलिए शुरू करते हैं, नहीं जाएगा 0 लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, ये देखिए। अच्छा कितनी बार जाएगा, 4 2 8 80 हो जाएगा, बचेगा क्या, 10 बचेगा, फिर 0 बढ़ेगा, 4 2 8 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, बचेगा क्या, 20 बचेगा। आप देखिए आप क्या करेंगे, फिर 0 लगेगा, 4 5 6 20 ये कट जाएगा, कितना हो गया, 0.225 हो गया। अगला माइनस 5 बचे, चाहिए माइनस में रहेगा, क्योंकि माइनस ना
माइनस पांच बटे नौ को करते हैं, नौ से भाग देते किसमें, पांच में, जाएगा क्या, दशमलव लगाएंगे जीरो जाएगा, नौ चौक छत नौ पच्चे पैतालीस, पांच बार लेके जाएंगे कितना बचेगा, पैतालीस आएगा, बचेगा क्या, पांच बचेगा, ये कट जाएगा जीरो आएगा, फिर नौ पचे पैतालीस, फिर क्या होगा, पांच बचेगा ये कट जाएगा, इसका मतलब ये क्या आएगा, जीरो दशमलव पांच के ऊपर बारह आएगा। अब देखते हैं दिया गया पैंतीस बटे सोलह, कितना दिया गया, पैंतीस बटे सोलह, उस पैंतीस बटे सोलह को हल करते हैं, देखिए पैंतीस बटे सोलह को जब हल करेंगे, सोलह और ये पैंतीस, देखिए सोलह दुना बत्तीस होता है, दो बार लेके जाएंगे, बत्तीस हो जाएगा बचेगा तीन, ये कट जाएगा, दशमलव या जीरो, सोलह एक कम सोलह हो जाएगा, बचेगा कितना, देखिए चार दस चार चौदह बचेगा, दस में से छह गए चार और यहाँ एक बचेगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर देखिए सोलह दुना बत्तीस, सोलह तीन अड़तालीस, कितने बार ले जाएंगे, देखिए दो बार गया एक बार गया, अब आठ बार लेके जाएंगे, सोलह अट्ठे आठ छह अड़तालीस को आठ हासिल चार, आठ एक आठ चार बारह, ये दस में से आठ गया दो, यहाँ तीन में से दो गया एक और ये कट जाएगा, एक जीरो लगेगा। अब देखिए अब कितनी बार लेके जाएंगे, ध्यान दीजिएगा इसको काटते समय एक एक बारीकी से काटिएगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब इसको सात बार लेके जाएंगे, सात बार, सात छह बयालीस को दो हासिल चार, सात एकम सात चार ग्यारह, देखिए दस में से दो गया आठ हो गया, यहाँ एक में से ये कट गया ये कट गया, अब क्या करेंगे जीरो तक गया। अब देखिए सोलह पच्चीस क्या होता है, अस्सी होता है, पांच बार लेके ये हो गया अस्सी और ये कट गया, आंसर कितना गया हमारा, दो दशमलव एक आठ सात पांच। अब देखते हैं ये ला ये वाला ग्यारह सही, ये दो सही चार बटे ग्यारह, इसको पहले सरल वो सिंपल भिन्न में बदलेंगे, ग्यारह दुना बाईस और चार छब्बीस, छब्बीस बटे ग्यारह माइनस का छब्बीस बटे ग्यारह, अब इसको हल करते हैं, छब्बीस में ग्यारह दुना बाईस हो जाएगा, बाईस होगा छह में से दो गया चार और ये कट गया, अब क्या करेंगे देखिए दसवें लगेंगे जीरो, ग्यारह तिया तैतीस हो गया, बचेगा क्या सात, ये कट गया जीरो आ गया, ग्यारह छक्का छाछठ हो गया, बचेगा क्या चार, ये कट गया यहाँ जीरो आ गया, अब ग्यारह तिया तैतीस कितना बचा सात, ये कट गया जीरो आ गया, ग्यारह छक्का छाछठ कितना बचा चार, ये कट गया, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, चार आ रहा है छह सात आ रहा है, चार आ रहा है सात आ रहा है, चार और सात आ, इसका मतलब हो गया दो, दो दशमलव तीन छह के ऊपर बार, ये ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं, ये माइनस में ही आएगा क्योंकि ये माइनस है, अगला देखते हैं अट्ठासी बटे माइनस अट्ठासी बटे सात, माइनस अट्ठासी बटे सात है तो इधर करते हैं माइनस, ये माइनस नहीं लगाते हैं, सात से भाग देने किसमें अट्ठासी में, देखिए सात इक्कम सात कितना बचा एक बचा आठ डाल लिए, सात दुना चौदह कितना बचा चार बचा, कट गया दसवें लगा जीरो, सात बचे पैंतीस कितना बचा पांच बचा ये कट गया, देखिए अब यहाँ जीरो हो जाएगा, सात सते उनचास एक बचा ये कट गया, जीरो बड़ा सात इक्कम सात, फिर कितना आया तीन आया, फिर देखिए यहाँ जीरो बड़ा सात चौक का अट्ठाईस कितना बचा दो बचा, जीरो बड़ा सात दुना चौदह कितना बचा छह बचा, जीरो सात देखिए हाँ छह बचा ना, फिर जीरो बड़ा सात अठे छप्पन, सात अठे छप्पन कितना बचा चार बचा ये कट गया, अब देखेंगे चार बचा फिर जीरो आया, फिर सात बचे पैंतीस, ऐसे सात आएगा एक आएगा चार आएगा दो आएगा ऐसे आता रहेगा, मतलब यहां से संख्या यहां तक रिपीट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का बारह दशमलव पांच सात एक चार दो आठ के ऊपर क्या बात। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन क्या दिया गया है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को भिन्न में बदलिए, पहला क्या है जीरो दशमलव जीरो एक पांच, जीरो दशमलव जीरो एक पांच, दूसरा क्या दिया गया है जीरो दशमलव आठ चार, जीरो दशमलव आठ और चार, तीसरा क्या दिया गया बारह दशमलव छह दो पांच, बारह दशमलव छह दो पांच, इनको क्या करना है भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे दशमलव हटाएंगे, दशमलव नीचे वन आगे जितने हैं उतने जीरो, पांच से क्या करेंगे काटेंगे, पांच तिया पंद्रह, पांच दुना दस ये हो गया
अब कितना दो बटे कितना तीन बटे कितना आ गया 200 आ गया। अब कटेगा क्या? नहीं कटेगा, 3/200 ये हो जाएगा हमारा भिन्न। आगे देखते हैं 84 है, दशमलव हटाएंगे, दशमलव नीचे 1 और आगे जितनी संख्या है उतने 0। 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 दुना 4, 2 पंचे 10 और ये 0। अभी 2 से और कटेगा, 2 दुना 4, 2 एक कम 2, 2 25 सही में 50 होता है, कितना आ गया 21/25 आ गया, ये हो गया। अगला देखते हैं 12.6, इतना क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, दशमलव नीचे 1, 1, 2, 3 बार 0। देखिए अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे, तो जब काटेंगे इसको 1000 से काटते हैं, ध्यान दीजिए कैसे होगा, 5 से काटेंगे, 5 दुना 10, 200 हो गया, इसको काटेंगे 5 से, 5 दुना 10, 5 पचे 25, एक यहाँ आ गया 5 दुना 10 और 5 पचे 25, अभी 5 से फिर काटेगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, ठीक है, फिर 5 से काटेंगे, 5 पचे 25, 5 पचे 25, फिर काटेंगे 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, अब क्या कटेगा, नहीं कटेगा, 101/8, ये हो गया भिन्न। तो ये हमारा अभ्यास, दक्षता अभ्यास 1 भी समाप्त हुआ। आज से आपकी परिमेय संख्याएं चैप्टर 1 आपका समाप्त हो गया, परिमेय संख्याएं। तो अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं वर्गमूल। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता कमेंट में आप उसको पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई करने की भरपूर कोशिश करेंगे। अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपने वीडियो यहां तक देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।